Hashtag justice for Priyanka Reddy. तो गाइज आज है 30th November 2019 और ये एक ऐसा दिन है जो शायद ये कंट्री कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि गाइज आज एक 26 साल की वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ, उसको जला दिया। तो गाइज ये किस टाइप की ह्यूमैनिटी है? मतलब क्या अब हम हमारी बेटी बच्चियों को, अपने हमारी बहनों को हम बोलें कि तुम बाहर मत जाओ, घर के अंदर बैठे रहो, क्योंकि कुछ ऐसे नामुराद ऐसे नापुंसक लोग हैं जो तुम्हारा रेप कर देंगे और तुम्हें इस तरह मारेंगे कि तुम शायद भूल नहीं पाओगे और पूरी कंट्री नहीं भूल पाएगी। गाइज तो ये बहुत ही एक शेमफुल एक्ट है हमारी कंट्री की तरफ से, हमारी कंट्री के ऐसे कुछ चंद लोगों की तरफ से जिन लोगों ने पूरी ह्यूमैनिटी पे एक दाग बना दिया है, और ये दाग गाइस कभी नहीं साफ होगा। आने वाले 25 साल 30 साल जितने साल आप लगा लो, ये दाग कभी साफ नहीं होगा, ये दाग लगा रहेगा हमारी कंट्री पे, इस ह्यूमैनिटी पे, और हम सब इस बारे में कुछ नहीं कर सकते गाइस। और गाइस सबसे दुख की बात तो ये है कि हमारे होम मिनिस्टर ब्लेम कर रहे हैं उस विक्टिम को कि उसने 100 नंबर पे कॉल नहीं करके अपनी बहन को कॉल किया। अरे भाई, मतलब वो बंदी अपनी बहन को कॉल कर रही है, मुझे समझ नहीं आया इसमें क्या गलती है उसकी। ठीक है उसने पुलिस को कॉल नहीं किया, मैं मानता हूँ कि एक मतलब, लेकिन पुलिस भी कहाँ आप गाइस, हमारे यहाँ पुलिस पे भरोसा करना ही बहुत बड़ा स्टंट होता है मेरे हिसाब से। लेकिन खैर इस वाले केस में मैं पुलिस की दाद देता हूँ कि एक दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने चारों अक्यूज को पकड़ लिया। तो यहाँ पे पुलिस बहुत ही अच्छा काम किया पुलिस ने, मैं पुलिस को बिल्कुल बढ़ावा देता हूँ। बट होम मिनिस्टर साहब आप इस तरह से उस बेचारी बच्ची को ब्लेम ना करें। खैर मैं पॉलिटिक्स पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा पॉलिटिक्स पे घुसूँगा तो शायद वीडियो बैन हो जाए, बट गाइज ये बहुत ही बुरा है गाइज, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट राइट। और गाइज इस तरह के एक्ट्स के लिए गाइज इन लोगों को ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो शायद ये कभी ना भूल पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। मतलब उम्र कैद तो बहुत ही कम है, फांसी की सज़ा भी बहुत ही कम है इन लोगों के लिए। इन लोगों को तड़पा तड़पा के गाइज मारना चाहिए, इन लोगों को ऐसे मारना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा ऐसा करने की सोच रहा है वो हिल जाए, वो रुक जाए और वो कभी ऐसा काम कर ही ना पाए। गाइज बाहर की कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है, और हमारी कंट्री में भी गाइज लॉ एंड ऑर्डर है और कई हद तक स्ट्रिक्ट है। बट गाइज जो हमारी कंट्री में जो पनिशमेंट्स दी जाती हैं बाय द ऑनरेबल कोर्ट, वो मेरे को लगता है कि उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है इन अक्यूज ऐसे केसेस में। रेप केस हो गया आपका, स्पेसिफिकली मैं रेप केस की बात कर रहा हूँ। मेरे को लगता है गाइज इन लोगों को मौत की सज़ा सुनाना, उम्र कैद की सज़ा सुनाना बहुत ही ज़्यादा रहम करना हुआ। इन लोगों को तो गाइज ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए कि जो बंदा ऐसे काम करने की सोच रहा है उसकी रूह कांप जाए, वो हज़ार बारी नहीं करोड़ों बारी सोचे कि ये काम करना है कि नहीं गाइज। और ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है गाइज, और मैं इस चीज़ के बिल्कुल ही खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ। और गाइज मैं आपसे बस यही निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को पहुँचाओ, इस चीज़ को शेयर करो गाइज, और हैशटैग जस्टिस फॉर प्रियंका रेड्डी इसको फैला दो हर जगह। बट मैं ये नहीं कहूँगा गाइज कि पूरा सोशल मीडिया पे ही करो, हर जगह गाइज थोड़े प्रोटेस्ट तो करने ही चाहिए गाइज, क्योंकि अगर हम इस ऐसे टॉपिक्स को ऊपर लेके नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट सुनेगी नहीं, और गवर्नमेंट सुनेगी नहीं तो फिर ऐसे लोग जो हैं फिर ऐसा गंदा काम करेंगे, और फिर हम लोग बस सोशल मीडिया पे स्टोरीज पे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे पोस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते करते ही ऐसे लोगों को गालियाँ दे देंगे चंद, और फिर ये गाइज छूट जाएंगे, फिर ये वही काम करेंगे, फिर हम गाली देंगे, फिर छूट जाएंगे, और ऐसी ये चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा गाइज। तो इसके साथ ही गाइज मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रियंका रेड्डी जो है जहाँ पे भी हों, अभी तो खैर बहुत गुस्सा होंगी जहाँ पे भी होंगी वो भी, पर हम चाहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको जस्टिस मिले। तो काफ़ी जस्टिस तो गाइज उनको अभी मिल चुका है, क्योंकि उनके चारों अक्यूज थे जिन्होंने ये गंदा काम किया वो पकड़ जा चुके हैं, और
अब देखते हैं उनको क्या सजा मिलती है गाइस। मैं प्रियंका रेड्डी की फैमिली, उनके पेरेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि वो लोग, आप लोग होप ना हारें, आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, हम सब आपकी बेटी को इंसाफ दिलवाएंगे, हम आप सब के साथ खड़े हुए हैं और हम मेक श्योर करेंगे कि इन चार लोगों को ऐसी सजा मिले कि ये हिल जाए और पूरी कंट्री को ये समझ में आ जाए कि ऐसा काम करने का क्या अंजाम होता है। और अगर आप लोग ये वीडियो देखते हो तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी होप ना हारें, हिम्मत ना हारें और डटे रहें, और हम सब आपके साथ हैं, पूरी कंट्री आपके साथ है, तो हम आपकी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। तो इसके साथ गाइस थैंक यू, आपने वीडियो देखी, और गाइस इस वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या सोचते हो। चलो गाइस, थैंक यू वॉचिंग।